subscribe and press the bell icon, search science. Hello students, welcome to the science class. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th class, यानी chapter 2 चल रहा तुम्हारा unit and measurement. Units and measurement में हम लोग पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस के बारे में लोग पढ़ रहे थे, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन से पहले वाला जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, जो कि हम इसके बाद पढ़ेंगे. आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो हम पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में, उस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा आते हैं. तो हम पहले उसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करने के बाद हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन स्टार्ट करेंगे, जो कि डायमेंशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, तो जनरली आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जिसमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा इन पी इक्वल्स टू पी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी स्क्वायर. ये हमारा इक्वेशन है, ये हमारा इक्वेशन है जिसमें हमें अल्फा का क्या चाहिए, डायमेंशन चाहिए. ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर क्या जो गिवन है, पी क्या है, यहाँ पर पी की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, पी नॉट की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो किसकी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, सिर्फ टी टाइम की इन्फॉर्मेशन, और टी क्या है, ये टाइम है, ये आपके पास गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, अल्फा का डायमेंशन पता करना है. उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, याद रखना है जब कोई एक्सपोनेंशियल का पावर हो या किसी भी नंबर्स के पावर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा हुआ है 2 का पावर 5, राइट, तो कहीं पर आपने 2 का पावर 5 देखा होगा, कहीं पर आपने 2 का पावर 5 किलोग्राम नहीं देखा होगा. मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी क्वांटिटी का जो पावर होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, उसके अंदर कोई यूनिट्स वगैरह नहीं होंगे, उसके अंदर कोई फिजिकल क्वांटिटीज नज़र नहीं आएंगे, उसके यूनिट्स नज़र नहीं आएंगे. कहीं पर आपने ये नहीं देखा होगा कि 5 का पावर 3 सेकंड लिखा हो, ठीक है, हाँ 5 का पावर 3 लिखा है ये देखा होगा आपने. ठीक है, तो इस तरह से जनरली हम लोग जो हम मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी न्यूमरल या किसी भी नंबर के ऊपर में जो पावर्स होते हैं वो कभी भी कोई वेरिएबल टर्म्स नहीं होगा, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट फिगर होता है, कांस्टेंट टर्म होता है. ठीक है, तो कांस्टेंट होगा, यानी 5 किलोग्राम 5 3 सेकंड इस तरह के कुछ पावर्स नहीं होते. तो एक बात बताओ, जब कांस्टेंट होता है तो यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल का ये पावर है, तो ये जो पावर है हमारा ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, 0 होता है, यानी कि कांस्टेंट एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है. तो क्यों ना हम चाहें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि माइनस अल्फा टी स्क्वायर को मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि इट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, और डायमेंशन लेस कहने का मतलब मेरा ये है m 0 l 0 और t 0, दिस इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, और हम कह सकते हैं कि अल्फा टी स्क्वायर जो है वो सर डायमेंशन लेस क्वांटिटी है. ठीक है, अब जनरली चलो ठीक है, इसका हम लोग निकालते हैं किस तरह से हम डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अल्फा टी स्क्वायर माइनस का, क्योंकि यहाँ पर डायमेंशन में माइनस का कोई मतलब नहीं है. ठीक है, चलो अल्फा है इनटू टी का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर टाइम के लिए क्या आ जाएगा, कैपिटल टी, इसका पावर 2 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ आ जाएगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो. ठीक है, उसके बाद अल्फा बराबर आ जाएगा एम जीरो एल जीरो टी, इधर आएगा दोस्त, टी इधर आएगा, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, टी जीरो, नीचे आ जाएगा क्या हमारा, टी का पावर 2. चलो ठीक है, अल्फा क्या आ जाएगा जरा देखना, एम जीरो एल जीरो टी कितना हो जाएगा, ऊपर 0 माइनस 2, यानी कि -2. ये डायमेंशन आ गया किसका, हमारे पास किसका डायमेंशन आ गया, ये अल्फा का डायमेंशन आ गया. इस तरह से क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं. ठीक है, कि इस तरह से इक्वेशन गिवन है आपके पास, ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया, बोला कि बताइए अल्फा का डायमेंशन क्या होगा. तो ये था हमारा जनरली क्वेश्चन, जिससे जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. ठीक है, तो इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, यहाँ पर लिखा रहेगा बीटा इन पी इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा. ये इक्वेशन गिवन हमारे पास, इसमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, यहां पी क्या है, प्रेशर है, पी क्या है, प्रेशर है, उसके बाद यहां पर अल्फा यानी बीटा का हमें पता क्या करना है, डायमेंशन पता करना है, इसमें जेड क्या है हमारे पास, जेड जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, के क्या है, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसके बाद थीटा क्या हमारे पास, थीटा क्या है, थीटा इज टेम्परेचर. मतलब ये सारा गिवन है हमारे पास. ठीक है, ये पी क्या है, ठीक है, जेड क्या है, ये इस तरह से गिवन है. उसके बाद अब इसमें हमें क्या पता करना है दोस्त, इसमें हमें पता करना है कि बीटा का डायमेंशन क्या होगा. सेम केस है पिछले क्वेश्चन की तरह, कि ये एक सर पावर है और पावर का डायमेंशन क्या होता है, 0 होता है. ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर अल्फा जेड
अपॉन के थीटा, ये जो होगा वो डायमेंशनलेस होगा। ये क्या होगा? एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो होगा, डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फ़ा, अल्फ़ा का नहीं पता, तो क्या करते हैं, पहले हम लोग अल्फ़ा का पता कर लेते हैं डायमेंशन, और उसके बाद क्या करेंगे, बीटा का डायमेंशन पता कर लेंगे। चलो ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू जेड, जेड क्या है, डिस्प्लेसमेंट, जिसके लिए क्या आ जाएगा, लेंथ, ठीक है। अपॉन के क्या है, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है, के क्या है, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, इसका क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू थीटा माइनस वन, एम एल टू टी माइनस टू थीटा माइनस वन, या यहाँ पर के माइनस वन भी होता है, क्योंकि ये थीटा और के दोनों टेम्परेचर के लिए यूज होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या ले लेते हैं, के ले लेते हैं, क्या लेते हैं, के लेते हैं, ठीक है। चलो के माइनस वन, एम एल टू टी माइनस टू के माइनस वन इन टू थीटा, थीटा क्या, ये भी टेम्परेचर, और टेम्परेचर का क्या होता है डायमेंशन, के क्या होता है, के, ठीक है, इक्वल्स टू एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो। ध्यान से देखना, यहाँ से आप कह सकते हो सर k माइनस वन से k जो है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, k का पावर माइनस वन है, यहाँ पर k का पावर वन है, तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, यानी कि कैंसिल आउट हो गया, ठीक है हमारा। उसके बाद क्या बचा, अल्फ़ा बचा, अल्फ़ा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस लेंथ को नीचे लाता हूँ, अगर मैं इस लेंथ को नीचे लाता हूँ, या फिर इस एम एल टू टी माइनस टू को ऊपर ले जाता हूँ, बात एक ही है, ठीक है। जैसे अल्फ़ा है, मैं m को ऊपर ले गया, m को ऊपर ले गया तो क्या हो जाएगा, या आप ऐसा करो कि ये जो एम एल टू टी माइनस टू है, आसानी के लिए, आप देखो बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, लेकिन जो आसान है आपके लिए वो मैं, देखो एम एल टू टी माइनस टू क्या है, इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट इससे कर दो, हम चाहे तो कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आप चलो ऐसे कर लो, अल्फा एल बराबर एम जीरो है, इसका मल्टीप्लाई एम का पावर वन से करना, यानी कि पावर ऐड हो जाएगा, यानी कि एम का पावर वन आ जाएगा। एल टू है, मल्टीप्लाई एल जीरो है, तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो टू में जीरो ऐड करो कितना आएगा, एल का पावर टू आ जाएगा। टी यहाँ पर माइनस टू है, टी जीरो है, फिर कुल मिला के एम एल टू टी माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर L भी है, अब इस L को आप इधर लाओगे, L को आप इधर लाओगे तो 2 है, L इधर आएगा तो माइनस वन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अल्फा का जो डायमेंशन आ जाएगा वो आ जाएगा एम एल वन, यानी L1 भी लिखो, L भी लिख दो, T माइनस टू, यानी कि एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, किसका डायमेंशन आ गया, ये अल्फा का डायमेंशन आ गया, किसका डायमेंशन आ गया, अल्फा का डायमेंशन आ गया। अब यहाँ से किसका डायमेंशन पता करना है, बीटा का डायमेंशन, लेकिन क्या है, अब आप कह सकते हो कि सर ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है एक्सपोनेंशियल का पावर समथिंग, तो एक्सपोनेंशियल का पावर समथिंग होता है तो वो एक हमें कांस्टेंट वैल्यू देता है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल एक खुद कांस्टेंट वैल्यू है, एक्सपोनेंशियल एक खुद कांस्टेंट वैल्यू है। तो आप बताओ इस पूरे कांस्टेंट वैल्यू का डायमेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब सर इसका डायमेंशन और अल्फा अपॉन बीटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि हर टर्म का डायमेंशन क्या होता है, जीरो, मतलब सॉरी सेम होता है, किसी भी इक्वेशन में हर टर्म का डायमेंशन क्या होता है, यानी कि ईच एंड एवरी टर्म ऑफ एन इक्वेशन विल हैव द सेम डायमेंशन, विल हैव द सेम डायमेंशन, यानी कि पी का डायमेंशन अल्फा अपॉन बीटा के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। यहां से अल्फा का डायमेंशन आ गया, अल्फा का डायमेंशन रहने देते हैं, ठीक है हम लोग, और यहां से क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब हम यहां से क्या करेंगे, हमें पता है डायमेंशन ऑफ पी बराबर डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा, क्लियर है, डायमेंशन ऑफ पी, पी प्रेशर है, प्रेशर का क्या होता है डायमेंशन, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का एम एल टी माइनस टू अपॉन में एरिया, अभी हम निकाल के देखा था मैंने आपको, एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया के क्या होता है, L2 ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये किसका है डायमेंशन, बार बार मैं प्रेशर का डायमेंशन निकाल के दिखाता हूँ आपको, ये हमारा एम एल माइनस वन टी माइनस टू बराबर डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा का डायमेंशन क्या आ गया है, एम एल टी माइनस टू, ठीक है, अपॉन बीटा, बीटा का डायमेंशन तो पता करना ही है हमें, बीटा को इधर ले जाओ, इन सारे टर्म्स को ला के इधर लिख दो, यानी कि बीटा बराबर क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू अपॉन एम L माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है, ये हमने अल्फा का डायमेंशन रख दिया है इसके अंदर, ठीक है, M से M कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद T माइनस टू से T माइनस टू कैंसिल, यानी कि बीटा का जो डायमेंशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, L ऊपर में वन है, नीचे माइनस वन है, ऊपर जाएगा L2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, L2। अब इसको चाहो तो M0 L2 T0 ये डायमेंशन लिख सकते हो बीटा का, ये आ गया हमारा बीटा का डायमेंशन। इस तरह से आप बहुत सारे टर्म्स के बहुत सारे जनरली डायमेंशंस को आप फाइंड कर सकते हो, पेपर में इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं जिसको आप बहुत ही आसानी के साथ मतलब सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप इसको चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये हमारा डायमेंशंस, ऐसे डायमेंशंस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के टर्म्स, यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो तीसरा क्वेश्चन हमारा वो ये है, वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसका डायमेंशन पता करना है, इसमें ए डब्ल्यू और के का डायमेंशन पता करना है, ए डब्ल्यू और के का डायमेंशन पता करना है, जिसमें वाई क्या हमारा, वाई है डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद
टी क्या है? टी इज टाइम आपको पता है, एक्स इज डिस्टेंस ये गिवन हमारे पास क्वेश्चन में, ठीक है। और अब यहाँ से ए डब्ल्यू के का डायमेंशन पता करना है, कैसे करेंगे देखो जरा ध्यान से देखना है एक बार। देखो ये क्या है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब आप बताओ साइन के बाद जो एंगल्स होते हैं, आपने कभी ऐसा देखा होगा साइन 90 माइनस 30 या साइन 90 माइनस 50 या साइन 90, मतलब आपने कुछ इस तरह से जनरली देखे हैं, इस तरह से आपने एक्सप्रेशंस देखे हैं जिसमें आपको साइन के बाद जो भी आता है ब्रैकेट के अंदर वो एंगल होता है, और एंगल हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। एंगल क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम एंगल को कॉन्स्टेंट लेंगे, सिंपल बात है। एंगल को क्या लेंगे? कॉन्स्टेंट लेंगे, मतलब मैं ये जो ओमेगा टी है और जो ये के एक्स है, इन दोनों का डायमेंशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों क्या होता है? एंगल्स होते हैं, और एंगल का डायमेंशन क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है। तो चलो ठीक है, हम लेते हैं डायमेंशन, यहाँ पर लिख लेते हैं डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी बराबर डायमेंशन, ये डायमेंशन लेस है तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ठीक है। ओमेगा टी, ओमेगा बार बार मैं कह रहा हूँ, इसको डब्ल्यू है, क्या है ये डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू टी, टी का क्या होता है टी बराबर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है एम जीरो एल जीरो टी जीरो, चलो टी को इधर ले जाओ तो ओमेगा यानी कि सॉरी डब्ल्यू बराबर आ जाएगा एम जीरो, ठीक है, एम जीरो एल जीरो, टी उधर जाएगा तो आ जाएगा टी माइनस वन। ये किसका डायमेंशन आ गया? एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन डब्ल्यू का डायमेंशन आ गया। इस तरह से हम के एक्स है तो डायमेंशन ऑफ के एक्स जो होगा वो भी डायमेंशन लेस होगा, यानी कि एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो के और एक्स क्या डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए एल आएगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो, के को इधर ही रहने दो एम जीरो एल जीरो, एल को इधर ले जाओ माइनस वन हो जाएगा, यानी कि एम जीरो एल माइनस वन और टी जीरो, ये आ गया के का। अब आप बताओ मुझे कि के का डायमेंशन आ गया, ए का डब्ल्यू का भी आ गया, और अब आप बताओ कि ये जो साइन है और साइन सम एंगल, साइन के साथ जब कोई एंगल होता है उसकी वैल्यू भी क्या होती है? कॉन्स्टेंट आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर होता है साइन 90 माइनस, मान लो यहाँ पर होता है 60, तो 90 माइनस 60 क्या होता है 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या आती है 1/2, मतलब जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब ये है कि सर ये पूरा का पूरा जो टर्म है साइन को लेकर के पूरा, ये कांस्टेंट टर्म और जिसका डायमेंशन बिल्कुल नहीं होगा, तो यानी कि जो वाई है इसका डायमेंशन एक डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ वाई बराबर डायमेंशन ऑफ ए, ठीक है। वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एल होता है। डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ ए कितना आ जाएगा? एल आ जाएगा, या आप इस तरह से लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा एम जीरो एल टी जीरो। इस तरह से डायमेंशन आप लिख सकते हो, किसके डायमेंशन लिख सकते हो, जनरली आप डायमेंशन ऑफ ए को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से मैंने आपको तीन क्वेश्चंस कराए, और ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि पेपर में, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और आपको समझने के लिए ये तीनों एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा सफिशियंट है, ताकि आपको तीनों एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। तीन तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। तो दोस्तों इस तरह से आप वीडियो अगर समझ में आया होगा, आपको पसंद आया हो, आपको वीडियो समझ, मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर कोई डाउट इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो कि आप सर किस में डाउट आपको, ठीक है। अगर आप जनरली नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको हर वीडियो का मिलता रहे। अगर आपके पास कोई जानने वाले हैं ऐसे जो पढ़ाई कर रहे हो 9th 10th 11th की, उनको भी आप सजेस्ट करो, ताकि वो भी पढ़ाई कर सकें इस चैनल के थ्रू और वो भी आगे बढ़ सके, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।